सो so, uh, जैसे कि वी ऑल नो दैट एवरी ईयर प्रेलम्स का पैटर्न काफ़ी थोड़ा चेंज हो रहा है एंड इट इज़ बिकमिंग बिट डिफ़िकल्ट सो सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आई थिंक कुछ चीज़ें जो मैंने एनालाइज करी हैं एंड आई वॉन्ट टू शेयर तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए सो द फर्स्ट थिंग इज दैट गो थ्रू दिलेबस ऑफ प्रिलिम्स एंड उसमें मेक श्योर दैट यू हैव प्रिपेयर योर नोट्स वेरी वेल और अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं सो यू शुड रिवाइज़ दोज़ बुक्स मल्टीपल टाइम्स अपने बेसिक्स को मत छोड़िए मेक श्योर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो बेसिक बुक्स जो भी हैं बी एड लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए तो और दूसरी चीज़ जो प्रिलिम्स में आती है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैंने एक बुक रेफर करी थी जिसमें 27 सेवन ईयर्स के पेपर थे प्रीवियस 27 सेवन ईयर्स के पेपर्स थे तो उसमें सिर्फ पेपर सॉल्व करके अपना स्कोर नहीं देखना हर एक क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है इंक्लूडिंग ऑप्शन में कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है जो आपको नहीं पता कि ये क्या है गो थ्रू दैट उसको सर्च कीजिए उसके बारे में पढ़िए Uh, मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक अभी भी चीज़ याद है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी एक ऑप्शन में एन के बारे में पढ़ा था सो आई गूगल दैट एन कि उसका क्या काम है एंड सेम क्वेश्चन 2022 में प्रिलिम्स में आया था कि ये एन जो है इससे रिलेटेड है सो दिस इज़ हाउ यू शुड गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थर्ड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सी को इग्नोर मत कीजिए सी सैट इज़ बिकमिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग है लेकिन आपको उसमें भी बहुत ध्यान देना है आई यूज़ टू गिव वन पॉइंट फाइव टू टू आवर्स एवरी डे प्रिलिम्स के टाइम पे और मैंने सी साइट के लिए भी मॉक टेस्ट दिए थे तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि उसकी भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं सी साइट की बुक्स भी हैं कोई भी बुक उठा लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब की स्ट्रैटेजी के अलावा एक चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये कि प्रिलिम्स वाले दिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए बी रेडी टू फेस वॉट एवर विल कम इन योर वे चाहे हो सकता है और ये होता भी है प्रीलिम्स में हर बारी हम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं तो उस टाइम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि चाहे जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आई विल आंसर इट घबराइए मत उस टाइम पर आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है जो भी कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं मेरे को इस तरीके से करना है जस्ट गो विद इट उस टाइम पे अगर आप काम होकर पेपर अटेंड करेंगे दोनों जीएस का भी और सी का भी तो डेफ़िनेटली आपके क्लियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है मेरे साथ खुद सेकंड प्रीलिम्स में हुआ था कि मैं पेपर देखकर ही घबरा गई थी और इसलिए मेरा सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो ये चीज़ मत कीजिए आपकी तैयारी अच्छे से है अगर आपने बेसिक्स कवर करे हुए हैं प्रीवियस ईयर करे हुए हैं तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि उस दिन घबराइए मत अच्छे से पेपर दीजिए थैंक यू